जरा डॉक्टर रवि मलिक, एक कमेंट आपका। डॉक्टर मलिक, हतोत्साहित होता है, खुन्नस आती है, गुस्सा आता है कि किनका इलाज कर रहे हैं हम? गुस्सा आता है सर, देखिए मरकर बहुत, अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने जा रहे हैं। डॉक्टर मलिक, देखिए ये मेरे लिए बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि इस शर्मनाक, निंदनीय और घोर अपराध के लिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है और ये आज पूरे देश को 2 मिनट का मौन रखना चाहिए इस तरह की चीज के लिए। देखिए सिचुएशन क्या है, एक तरफ हमारे देश में मौतें हो रही हैं, एक तरफ पूरे विश्व में मौतें हो रही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 10,000 मौतें हो चुकी हैं, इधर हमारा देश जो है लॉकडाउन में पड़ा हुआ है और बचाने वाले कौन है? केवल यही देवदूत हैं जो बेचारे अपनी जान को रिस्क पे लेकर, चंद देवदूत हैं। हमारे पास में डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो भी पूरी नहीं है, ये चंद लोग हैं जो अपनी जान को हथेली पे लेके 18-18 घंटे सेवा कर रहे हैं और इनको मार रहे हो, इनको फूलों की माला पहनाने की जगह इनको मार रहे हो। वो मर जाता बेचारा डॉक्टर, 2,000 लोग थे वहां पर, ये तो बेचारा टाइम पे भाग गया, नहीं तो मर जाता। और ये बड़े शर्म की बात है कि हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। किस बात की डिबेट हो रही है इसके ऊपर? दे आर क्रिमिनल्स, दे शुड बी सेंट बिहाइंड द बार्स। ये देशद्रोही है। इस वक्त जो हमारा देश इस त्रासदी से जा रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे बीमार मरीजों की, आप डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि मेरे थाने के अंदर बहुत सारे लेडी डॉक्टर डॉक्टर्स आए हैं, पीछे उनके पेशेंट्स को कौन देखेगा? ये कौन व्यक्ति है जो कि उनको वो कर रहे हैं? देखिए हिंदू मुसलमान का कोई भी मसला नहीं है, यहां पे मसला है क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल्स का। इसके अंदर चाहे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कोई भी है। मेरे को यह बताइए, धारा लगने से पहले क्या मुसलमान हिंदू देखा जाता है? डॉक्टर इलाज करने से पहले हिंदू मुसलमान देख रहा है? कोरोना आने से पहले हिंदू मुसलमान देख रहे हैं? ये मुसलमानों के ज्यादा बड़े दुश्मन हैं। हम लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते? दे आर क्रिमिनल, पूरी कम्युनिटी को इनके चक्कर में सुनना पड़ता है। ये डॉक्टर मलिक जल्दी से, डॉक्टर रवि मलिक जल्दी से, डॉक्टर रवि मलिक, देश कोरोना से लड़ रहा है, इन जाहिलों से लड़ रहे हैं। देखिए मैं ये बताना चाहूंगा, आज मैं डॉक्टर अग्रवाल को शत शत प्रणाम करता हूं। कल बेचारे इतने दुखद हादसे से गुजरे हैं और आज वो कह रहे हैं मैं ठीक होते ही जाकर समाज की सेवा करूंगा। देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, इतने महान विचार हैं डॉक्टर अग्रवाल के और ये सारे हमारे डॉक्टरों के यही विचार हैं। हम रोज पिट रहे हैं, हमारे ऊपर रोज थूके फेंकी जा रही हैं, रोज पत्थरबाजी हो रही है, लेकिन हम फिर ढीठ के ढीठ हैं, रोज इलाज करने जा रहे हैं और आज भी जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, समाज को अब समझना पड़ेगा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसके अंदर डॉक्टर साहब की मृत्यु भी हो सकती थी, फार्मासिस्ट की मृत्यु हो सकती थी, बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हम एक देश का डॉक्टर खोना नहीं चाहते, वैसे भी नहीं खोना चाहते, इस वकत इतनी त्रासदी है, इट इज सो सैड। और डॉक्टर साहब ने कितनी बढ़िया बात की है कि हमारे मनोबल अभी भी नहीं टूटा। ठीक डॉक्टर, फिर आएंगे और फिर इलाज करेंगे और उसी मोहल्ले में जाकर इलाज करेंगे।